हरे कृष्ण। टॉपिक है वो चुप क्यों हैं, या फिर व्हाई आर दे गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट। ओके, तो एक्चुअली मैं रीडिंग निकालने की सोची है और कार्ड्स भी निकाले, लेकिन तभी कैमरा बंद हो गया। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल दिए हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं एंड ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो टॉपिक कुछ इस प्रकार से हैं कि वो चुप क्यों हैं, या फिर व्हाई आर दे गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर साइलेंस। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है आउटकम फॉर द प्रेजेंट। ओके, सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो है हार्ट ऑफ द मैटर, एंड थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो है रूट ऑफ द मैटर। तो आउटकम फॉर द प्रेजेंट, अगर आपको जानना है व्हाट इज़ द आउटकम, या फिर आप निष्कर्ष में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए हो सकता है। हार्ट ऑफ द मैटर, दिल की बातें क्या हैं, दिल क्या कह रहा है, सोच क्या है, तो ये हो सकता है। रूट ऑफ द मैटर, रीज़न क्या है उसके पीछे, व्हाट इज़ द रियल रीज़न, तो ये कार्ड आप इसे चूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है आउटकम फॉर द प्रेजेंट। तो उसके कार्ड्स देखते हैं। मैंने दो ओरैकल डेक यूज़ किए हैं, एक है टैरो डेक और दूसरा है ब्लू डेक ओरैकल। ठीक है, तो कार्ड्स जैसे आ रहे हैं मैं वैसे ही ले रहा हूँ, रिवर्स टू रिवर्स। ओके, एंड स्ट्रेट टू स्ट्रेट। सो टैरो में यहाँ पे मैं रिवर्स आ गया तो रिवर्स ले रहा हूँ। सो देखते हैं कि व्हाई आर दे गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट, उनके साइलेंट ट्रीटमेंट देने के पीछे की वजह क्या है। तो कार्ड्स यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाला डेक। ओके, तो पांच कार्ड्स टोटल हैं, तीन कार्ड रिवर्स है, एक है एक्चुअली तीन कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना से, द मून, द मैजिशियन, द फूल, एंड दो है वो है एस ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। सो अर्थ साइन आ गए यहाँ पर। ठीक है, और हम क्या सोचते हैं, व्हाई आर दे गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द फूल, दिस कार्ड टेल्स कि ये जो व्यक्ति है ये अपने व्यक्तित्व के अनुसार बिहेव करता है। ओके, इसको किसी की पड़ी नहीं है, जैसे ही उसको लगता है मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं झूमूँ, नाचूँ, खाना खाऊँ, जो भी करूँ, तो जो भी इसके मन में आता है वैसे वो करता है। ओके, फूल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली द काइंड ऑफ एनर्जी वेयर यू रिसीव योर ओन पर्सोना, आप जैसे हो बचपन से आप वैसे ही बिहेव करते हो, तो अगर किसी के लाइफ में है कि वो हमेशा किसी के बारे में फील करता है तो वैसे फील करेगा। मोस्टली ये फूल का रीडिंग क्या आता है कि यू आर अलोन, लोनली, एंड आप कुछ ना कुछ परस्यू करते रहते हैं रिगार्डिंग योर सेल्फ, मतलब खुद को टाइम देना, खुद की अभिलाषा पूरी करना, तो ये चालू रहता है समवेयर। ये जो व्यक्ति है इसकी सोच ऐसी है, एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या है उसके दिल में और क्या है जो वो पाना चाहता है या फिर जिसकी उसको अभिलाषा है, तो उस चीज़ के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। ओके, उसमें भी अभी इसी वक्त वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता क्योंकि द फूल कार्ड आ गया। शायद कनेक्ट होता भी हो अगर वो केयर करता है, सो उसके एक्चुअली नेचर के ऊपर डिपेंड है जैसा उसका नेचर है। फूल इज़ लाइक बींग इन योर ओन नेचर, दिखावा नहीं, जैसा कि रियल नेचर है आपका। तो कोई फ्लैटेशियस है तो फ्लैटेशियस ही फील करेगा, बिहेव करेगा। अगर कोई बहुत केयर करता है तो बहुत केयर करेगा, और अगर जिसको मतलब किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको अपनी लाइफ जीनी बहुत पसंद है, फ्रीली, टोटली फ्रीडम, तो वैसे बिहेव करेगा। सो दिस इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, हालांकि ये कार्ड्स है जो रिवर्स है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो क्या चल रहा है। तो मैजिशियन, ये कार्ड एक्चुअली इससे रेजोनेट करता है, इस कार्ड से। तो थोड़ा सा रीडिंग अभी देखते हैं, फिर इसके साथ अनुसार रीडिंग करके फिर वापस से देखेंगे। तो मैजिशियन कार्ड मतलब कि उसके पास सब पैंतरे हैं, एंड ही कुड ऑल्सो मेक यू द फूल, दिस कनेक्ट्स। वो आपको जैसे चाहे वैसे फूल बना सकता है, या फिर आपको बिलीव करा सकता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी ही इज़ ऑल राइट, लेकिन आपको कह सकता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे लाइफ में बिल्कुल भी गड़बड़ी चल रही है, एंड आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हो। सो यू कुड बी द फूल, आपको लिटरली फूल बना सकता है, डिपेंड ऑन दैट, क्योंकि उसके पास ये ट्रिक है, द मैजिशियन, एंड क्योंकि उसके पास ये सब पैतरे हैं, कई बार ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, गैलप करना, सोलो करना, कि क्या सच में इंसान ऐसा करता है, क्या सच में मुझे उल्लू बनाएगा, मूर्ख बनाएगा, लाइक दैट। लेकिन कई बार क्या होता है कि द मैजिशियन कार्ड सेज कि उसके पास वो सभी उपलब्धियाँ हैं। ओके, तो मतलब वो जैसे चाहे ज़िंदगी जी सकता है। व्हाई इज़ द पर्सन गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट, तो अगर आपको लग रहा है कि द पर्सन इज़ फ्लैटेशियस, ओके, या फिर वो कई लोगों से कनेक्ट करता होगा, सो एज पर द मैजिशियन कार्ड इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि उसके पास सभी ट्रिक हैं। सभी ट्रिक मतलब क्या है,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं व्यक्तित्व, कि ये व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा है, ना तो किसी से बात करना ना कम्युनिकेट करना, यू नो अरेंज मैरिज होती है, नहीं हुआ तो वही फिर यू नो जस्ट लाइक ब्रह्मचारी व्हाटएवर। लेकिन द मैजिशियन मीन्स ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज, और द पर्सन हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिनसे वो किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। यू नो मैजिशियन कार्ड क्या करता है, एक्चुअली फोर साइंस जो होते हैं, कप्स होता है, पेंटाकल्स होता है, ओके, फायर एनर्जी, वट एवर एनर्जी इज देयर, एवरी एनर्जी इज़ हियर इन दिस कार्ड। ये मतलब है कि जैसे कि मैजिशियन ट्रिक करता रहता है, यू नो द मैजिशियन कैन मेक यू फूल, सिमिलरली ये व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकता है। सो इट इज़ यू नो जस्ट समथिंग लाइक दैट। तो वो अपने एक्स से भी कनेक्ट हो सकता है, यू नो, और ही कुड हैव अनदर रिलेशनशिप विद समवन एल्स। सो मैजिशियन कार्ड मीन्स द पर्सन इज ऑलरेडी कनेक्टेड, ओके, तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब किससे कनेक्टेड है ये तो देखेंगे। लेकिन ये जो कार्ड है वो है द मून, द रिवर्स। दिस कार्ड टेल्स की डीप सीक्रेट चल रहा है, डार्क सीक्रेट चल रहा है। सो मे बी द पर्सन इज नॉट टेलिंग यू समथिंग फ्रॉम हिज हार्ट, ओके, तो मे बी उसकी कुछ अभिलाषा है जो आप पूरी नहीं कर सकते या आप पूरी नहीं कर रहे हैं। मोस्टली आई थिंक इट इज़ अबाउट हिज इमोशंस, किसी से जुड़ा हुआ है ये इंसान, किस से जुड़ा हुआ है। मोस्टली ये द मून जो है वो पास्ट दिखाता है, मोस्टली यू नो द डार्क सीक्रेट्स इन हीज़ और हर माइंड, एंड मोस्टली ये क्या आता है, यू नो इट्स काइंड ऑफ इमेजिनेशन एंड यू आर यू स्टक समवेयर, सो इट इज़ अबाउट द मून। सो ये इसके बारे में है। सो समवेयर द एनर्जी इज लाइक दैट, कहीं ना कहीं पर स्टक है, किसी ना किसी से कनेक्टेड है, एंड मोस्टली जो फैंटेसी लैंड है उसका, और ये डीप कनेक्टेड है, इट इज़ अबाउट द पास्ट। तो पास्ट की कोई व्यक्ति है उससे कनेक्टेड है, या फिर पास्ट की मेमोरीज को लेके डीपली हर्ट है, एंड बिकॉज पास्ट से कनेक्ट डीपली हर्ट है, सो द मैजिशियन कार्ड इज़ देयर, सो ही वॉन्ट टू हील, ओके। तो शायद अपने किसी दोस्त से भी ये कनेक्ट होता होगा, मे बी, तो या फिर अपोजिट जेंडर से भी कनेक्ट होता होगा, जस्ट टू हील हिमसेल्फ, ओके। सो ये कार्ड हील भी आता है, तो मे बी द पर्सन वॉन्ट टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि वो पास्ट से कनेक्टेड है, और पास्ट की एनर्जी वाइटल है एंड नेगेटिव है। द मून इज़ रिवर्स्ड, सो ये जो एनर्जी है वो उसको खाए जा रही है। सो ईदर ही इज़ यू नो वो आपसे कुछ छुपा रहा है, आपको कुछ एहसास नहीं करने दे रहा, लेकिन वो किसी से डील कर रहा है, या तो अपनी मेमोरी से डील कर रहा है, वो उस मेमोरीज ट्रबल कर रही है, यू नो इस वजह से वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर वो ऑलरेडी कनेक्टेड है किसी और के साथ, ओके। एंड द मैजिशियन कार्ड इज़ हियर, दैट मीन्स ये जो कार्ड है इट इज़ हेल्पिंग हिम, इधर वो व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रहा है, ओके। सो ये व्यक्ति या तो इसको हेल्प कर रही है, या तो इसको समझ के ले रही है, दो चीज़ें हो सकती है। अगर हेल्प कर रही है सो फ्रेंड, अगर समझ के ले रही है लवर, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब दो कार्ड है वहाँ पे, है एस ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड। सो नाइट ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स ये आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कार्ड, यू नो वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, समवेयर द पर्सन इज जस्ट स्टक। वाई द पर्सन इज स्टक, क्योंकि शायद उसको आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई तो एनर्जी जो उसको पीछे खींच रही है, एंड द एनर्जी इज दिस एस ऑफ पेंटाकल्स। द पर्सन इज ड्रॉन अट्रैक्टेड, एस ऑफ पेंटाकल्स शुरू करना, ये खुद नहीं शुरू कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, और यू नो देयर इज सच काइंड ऑफ थिंग विच इज़ यू नो अट्रैक्टिंग हिम और हर। तो कोई तो व्यक्ति है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है, या एनर्जी जो इसको अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ओके। अब देखते हैं ये पांच कार्ड्स हैं, ओके, क्या है ये पांच कार्ड्स। आई थिंक ये आपकी भी फीलिंग्स यहाँ पे मिक्स आई है, लेकिन ये है डिनर डेट। द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन डिनर और डेट, ये यहाँ पे मोस्टली एक्स की एनर्जी दिख रही है। द पर्सन कुड बी गोइंग ऑन विद समवन एल्स फॉर डिनर और डेट, यू नो किसी के साथ बातें करना चाहता है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बट यू नो इट शोज आउटिंग, मोस्टली इवनिंग का टाइम दिख रहा है, आफ्टरनून भी हो सकता है, यू नो, एंड द पर्सन इज़ क्वाइट बिजी कम्युनिकेटिंग चैटिंग विद द पर्सन। हालांकि यहाँ पे ये कार्ड्स आ गए हैं, ओके, एंड दिस कार्ड रिजोनेट विद यू, ये कार्ड है एक्स, ओके, सो मे बी ये आपका ऑलरेडी एक्स बन चुका है, मे बी द पर्सन इज़ योर एक्स, ओके, एंड मे बी द पर्सन इज़ गॉन अवे फ्रॉम योर लाइफ, लेकिन आप उसे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से चला जा चुका है, ये एक बात है। एंड ये जो व्यक्ति है ये शायद अपने एक्स से कम्युनिकेट कर रहा होगा, या किसी और व्यक्ति से कनेक्ट हो रहा होगा, और वो उसको भी अपना एक्स बनाएगा, दैट मीन्स ही विल गो एंड हैव अनदर रिलेशनशिप, तो उसके लाइफ में होगा। नेक्स्ट कार्ड है यू आर थिंकिंग कि ये आपके लिए एक पनिशमेंट जैसा ही है, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है मे बी, एंड आपके सवालों का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, सो इट्स लाइक पनिशमेंट फॉर यू। आप सैडनेस में हो, बहुत सैडनेस में हो, एंड एक्चुअली कोई रीज़न नहीं है, अगर आप अपना मन इस व्यक्ति से हटाओगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप अपने जो चाहे वैसे कपड़े पहन सकते हो, यू नो
यू आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन, यू आर ब्यूटिफुल और डेफिनेटली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्रशेस इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके कई दोस्त बन सकते हैं, कई क्रशेस बन सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लूजिंग। तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को आप लूज़ करते जा रहे हो, इनफैक्ट आपने रिलेशनशिप लूज़ कर दी है। तो समवेयर ये आपके दिल में चल रहा है लेकिन आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था आउटकम फॉर द प्रेजेंट। ओके, अब देखते हैं हार्ट ऑफ द मैटर। हार्ट ऑफ द मैटर में क्या आया है, ठीक है, देखते हैं हार्ट ऑफ द मैटर में क्या आया है। द एम्परर, द वर्ल्ड, वाओ 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 बेबी। ओके, चार मेजर अरकाना, ठीक है, क्या है फिर यहाँ पे, तो अलग ही स्टोरी बयां हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड आ गया है जो कि है माइनर अरकाना से, जो है क्वीन ऑफ सोर्स, वो भी रिवर्स्ड है। ओके, द सन रिवर्स्ड आ गया है, द एम्परर रिवर्स्ड आ गया है, द वर्ल्ड है एंड जजमेंट है। ओके, एंड दिस इज द रीजन, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, सॉरी, आई थिंक इट कुड बी यू और समवन एल्स, ज़्यादातर आप दिख रहे हो, या 50-50 चांसेस है। ओके, लेकिन ये तो लग रहा है कि आपने डायरेक्टली इसको हर्ट किया है, यू नो, यू हैव पियर्स्ड द सॉर्ट राइट इनटू हिज हार्ट, ये आपने किया होगा शायद से। यू कैड हैव कंटिन्यू अबाउट दिस पर्सन, शायद इसको चीटिंग करते वक्त आपने देख लिया होगा, या फिर कोई तो बात है जिसकी वजह से आप इनके साथ नहीं हो, सो इट वॉज योर डिसीजन नॉट हिज, ये आपका डिसीजन था कि आपको इनसे कनेक्ट नहीं होना है, और एक क्यूट डिसीजन था ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्ड है द एम्परर, ओके, ये उसको रिजोनेट करता है। ये क्या कार्ड बता रहा है कि हालात इसे काबू में नहीं है, ही इज़ नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन एंड ही इज़ नॉट डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, यू नो, मतलब ये रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपने इसको छोड़ दिया है, यू हैव लेफ्ट दिस पर्सन, एंड इस पर्सन के हाथ में अभी कुछ भी नहीं बचा है, ये पर्सन एम्प्टी हैंड है, जैसे कि यू नो बेगर्स होते हैं तो वो बाउल लेके यहाँ वहाँ जाते हैं, सो सच सिचुएशन ही उसकी व्यक्ति की हो रही है, आपने इसको अकेला छोड़ा है। ओके, तो इसके सामने क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसके सामने अभी पूरा वर्ल्ड है, यू नो, ये चाहे तो किसी से भी डेट कर सकता है, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, आपने इसको फ्री छोड़ा है, द पर्सन इज़ फ्री, द पर्सन इज़ हैविंग लिबरेशन, यू नो, द वर्ल्ड इज़ हिज, क्या करे क्या ना करे इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वॉट वॉज द रीज़न, वाई डिड यू लीव द पर्सन, द रीज़न इज़ द सन, ये रिवर्स कार्ड आ गया है। सन मतलब प्रमोट करता है एक हेल्दी रिलेशनशिप को, यू नो, बेसिक हेल्दी रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा कपल अंडरस्टैंडिंग, कि जहाँ पे एक दूसरे को वो समझते हैं, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। जैसे हम कहते हैं कि आज दिन बहुत अच्छा है, या फिर जब हम सुबह सुबह देख लेते हैं, सूरज के दर्शन कर लेते हैं, या फिर कहते हैं कितनी अच्छी एनर्जी है, यू नो, वही जब रात होती है, ठंड से ठिठुरते हैं तो अलग लगता है। सो वैसे सन की जो एनर्जी है बहुत ही वाइब्रेंट होती है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स कार्ड है। वापस से कैमरा मेरा बंद पड़ गया, क्या इशू है पता नहीं, ठीक है। सो यू नो, ये जो सन कार्ड है ये रिवर्स कार्ड आ गया है, एंड यहाँ पे ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। दो मिनट ही हुए थे मैं बात कर रहा था और कैमरा बंद पड़ गया, तो मैं वापस से रिकनेक्ट करता हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब या तो आपने या फिर आपके दोस्त ने इंटरफेयर किया है, एंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट यू कुड हैव स्लैप्ड द पर्सन, ठीक है, ये हो सकता है, शायद आपने उसको मारा पीटा, वो डिपेंड ऑन दैट, एंड शायद कोई और भी व्यक्ति हो सकती है जिसने इंटरफेयर किया है, एंड दैट इज़ जस्ट टू सेव यू, आपको बचाने के लिए, यू नो, क्योंकि ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, ये बिल्कुल ये डाउन एनर्जी है, द सन इज़ डाउन ओवर हियर, दैट मींस ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपकी लाइफ के लिए, एंड द वर्ल्ड मींस, यू नो, इट्स नॉट एन एंड, तो ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ जी सकते हो, यू कुड बी इन द वर्ल्ड एंड रोम अराउंड, जो भी आपको चाहिए वो आसानी से मिल सकता है आपको, यू नो, वेरी गुड फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है, सच्चा प्यार मिल सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है जजमेंट। जजमेंट मतलब ये व्यक्ति फेस कर रहा है अपने कर्म को, एंड ये हो रहा है उसके लाइफ में, तो शायद आप उसके लिए रेडी हो ना हो, या व्यक्ति रेडी हो ना हो, अगर वो आगे बढ़ भी रहा है, रिलेशनशिप कर भी रहा है, फिर भी इसको जजमेंट तो फेस करने होगा, दैट मीन्स ये व्यक्ति ऐसा ही बिहेव करेगा, उसको यही चाहिए द सन, ये चीटिंग एनर्जी है या फिर नेगेटिव एनर्जी है, तो ये व्यक्ति जो है वो नेगेटिव एनर्जी में ही डील कर रहा है, सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, डिपेंड ऑन यू कि कैसे आपको फील हो रहा है। ओके, तो अभी रह गए 5 कार्ड्स, तो वो देखते हैं क्या है।
लूजिंग होप, आप होप लूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे आप होप लूज़ कर रहे हो कि कुछ है रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप तर सकती है. सो यू आर कनेक्टिंग, यू आर नोइंग कि नहीं भैया रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती. जितने जल्दी आप ये एहसास आपको होगा उतने ही बेहतर है आपके लिए. ठीक है. एंड फिर आ गया शॉकिंग एंड ट्विस्ट, ये दो कार्ड्स आ गए. सो मे बी आपने कुछ ऐसा देखा होगा या पाया होगा जिसकी वजह से आपको शॉक लगा है या फिर आपको लग रहा है. एंड ट्विस्ट दैट मीन्स समथिंग एज इमर्ज्ड इन दिस रिलेशनशिप. आप इस व्यक्ति को डेट कर रहे थे, मे बी यू कुड ऑल्सो मैरिड विद दिस पर्सन, जो भी हो सकता है. लेकिन एक ट्विस्ट आ गया है इसके बीच. मतलब मे बी एवरीथिंग वॉज गोइंग प्रिटी गुड, यू नो, नथिंग गेन नथिंग लूज, लेकिन आपके हिसाब से चलो अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है. लेकिन ट्विस्ट आ गया, अचानक से कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको शॉकिंग लगा. अब क्या शॉकिंग लगा, तो वो है फोटोग्राफ्स. दैट मीन्स शायद आपके हाथ कुछ ऐसे चीज़ें लगी होंगी, दैट कुड बी सम थिंग्स लाइक कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ क्लिप्स, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस, या फिर किसी का कॉन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल, आपको ऐसा कुछ मिला होगा जिसके वजह से आपको शॉक लगा. यू नो, यू फील लाइक इट्स शॉकिंग फॉर यू, व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग. तो इसके वजह से क्या हुआ है, ब्रेकअप. सो ऑल दिस हैपन बिकॉज यू गॉट अ ट्विस्ट. तो आपके लाइफ में एक्चुअली ट्विस्ट नहीं था, लेकिन ट्विस्ट हुआ बिकॉज यू फील शॉकिंग बिकॉज यू गॉट सच काइंड ऑफ थिंग. और जैसे ही आपके लाइफ में आ गया, यू डिसाइडेड टू ब्रेकअप. तो आई थिंक ये पाइल तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे यू आर डीलिंग दिस एंड नॉट योर पर्सन. तो आपने ही खुद डिसाइड किया है कि आप उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे. ठीक है, आप देखते हैं थर्ड पाइल जो है रूट ऑफ द मैटर. क्या है रूट ऑफ द मैटर में, वो देखते हैं. कार्ड स्ट्रेट आया तो स्ट्रेट, रिवर्स आया तो रिवर्स. ठीक है, ओके. तो दो मेजर अरकाना कार्ड्स आ गए हैं. ठीक है, देखते हैं why is the person ignoring, yeah, why are they giving silent treatment. साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों आ रही है, या वो चुप क्यों है. ठीक है, टेन ऑफ सोर्स आ गया, तो एक अच्छा कार्ड आ गया. ओके, किंग ऑफ सोर्स रिवर्स आ गया. ओके, टेन ऑफ कप्स रिवर्स आ गया. ओके, टेन सॉरी द स्टार रिवर्स आ गया एंड स्ट्रेंथ रिवर्स आ गया. तो दो मेजर अरकाना रिवर्स आ गए, दो माइनर अरकाना रिवर्स आ गए, ओनली सिंगल कार्ड दैट इज टेन ऑफ सोर्स है. दैट मीन्स अभी भी होप है, देर इज स्टिल होप इन दिस रिलेशनशिप. आपने होप लूज़ नहीं की है एंड यू डोंट वॉन्ट टू लूज़ द होप. ओके, एंड आपके पास अभी भी होप है एंड इस व्यक्ति के भी पास भी होप है. ओके, एंड ये व्यक्ति काफ़ी सारा बर्डन फॉलो कर रहा है. ओके, एंड ये चाह रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करे. देर कुड बी न्यू बिगिनिंग कुड हैपन इन योर लाइफ, लेकिन आपको सब भुलाना होगा जो भी हुआ आज तक आपके रिलेशनशिप में, आपको वो सब भुलाना होगा. फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ. तो रिलेशनशिप की जो मेन चीज़ है स्ट्रेंथ, वो तो चली गई है. ओके, यू कुड हैव स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, आपने एक दूसरे को डेट किया होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, लेकिन जो भी वो प्यार था वो सब चला गया है. यू हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग. अभी आपके आप दोनों के ही हाथ में मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं बची है. अब आपको वापस से नई शुरुआत करनी होगी. यू नो, जैसे कि मान लो आपने कहीं पे घर बनाया है एंड गवर्नमेंट कहती है कि हमें वो प्रोजेक्ट के लिए आपका घर चाहिए, यू नो, आप ये जगह चाहिए. तो वो कई सारे जगह ले लेते हैं हेक्टर्स में और आपको कहीं नई जगह पे सेटल करा देते हैं. यू नो, तब आपकी फीलिंग क्या होगी, वैसे ही आपकी फीलिंग हो रही है. आपने सब लॉस किया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ. ओके, अब टोटली तीन कार्ड्स आ गए हैं जो कि रिवर्स्ड हैं. फर्स्ट कार्ड है द स्टार. आई थिंक आपने होप रिलीज़ की है, होप लूज़ की है. मे बी आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति से आपको कोई होप नहीं है. मे बी ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या फिर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा है. ओके, सो शायद से आप एक दूसरे से बातें कर रहे थे या बातें करते थे, आज भी करते होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको मिसट्रीट कर रहा है या फिर जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं कर रहा है. आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए नहीं लेके जा रहा. यू नो, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं कर रहा. आपको पता ही नहीं चल रहा क्यों ऐसा बिहेव करता है. आपकी छोटी छोटी विश है कि आप आइसक्रीम खाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं. मे बी यू आर मैरिड या फिर आप मैरिड या फिर रिलेशनशिप में हो काफ़ी सालों से एंड नाउ द पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दैट. आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है. सो आई थिंक ये आपके लिए हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट कुड यू डू, व्हाई आर दे गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट. द थिंग इज़ दैट दे आर नॉट अलोविंग यू. आपको वो मतलब आपको अलाउ ही नहीं करते. यू नो, आपको ब्लेम करते हैं या फिर आपकी कोई सुनती ही नहीं है. टेन ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में सभी चार्म निकल गया है. मे बी एवरीथिंग हैज हैपेंड. आपको शायद किड्स भी हुए हैं या फिर यू हैड सीन अ वंडरफुल एरा इन योर लाइफ कि बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आपने देखा है. क्योंकि टेन ऑफ कप्स तक जो फर्स्ट टू लेकर नाइन तक कार्ड्स होते हैं वो सभी आ गए हैं. अब कौन कौन से रिवर्स आ गए हैं इसके बीच में वो तो नहीं पता, लेकिन टेन ऑफ कप्स रिवर्स आ गए. इसका मतलब अभी इस लाइफ में कोई भी होप नहीं है. ये रिलेशनशिप बहुत ही एंडलेस, मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग है या फिर एंड हो चुकी रिलेशनशिप में और देर इज़ नथिंग लेफ्ट. कुछ भी नहीं बचा है रिलेशनशिप में.
क्योंकि ये व्यक्ति जो है आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा है, और जहाँ पे इच्छा पूर्ति नहीं वहाँ पे साथ क्या निभाना, यू नो जस्ट यूजिंग यू, आपका शायद यूज़ कर रहा है, यू नो जैसे कि मतलब आप शायद सोच रहे हो कि कहीं मैं इस घर की मेड तो नहीं हूँ, कहीं मैं इसका घर का सर्वेंट तो नहीं हूँ, सो लाइक दैट। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ये व्यक्ति भी खुद भी यूज़ हो रहा है और आपका भी यूज़ कर रहा है, दोनों बातें हो रही है, कोई व्यक्ति है जो इसका यूज़ कर रहा है और ये व्यक्ति आपका यूज़ कर रहा है, सो दो थिंग हो रही है, और जिसके जिसके कारण आप बहुत तकलीफ में हैं, आपको ये असहनीय है। नेक्स्ट जो ओरैकल है वो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है ये आपके लिए, एंड आप एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे हो कि रिलेशनशिप किस तरह की है, क्या है इस रिलेशनशिप में। कॉम्प्लिकेटेड है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, यानी किसने कॉम्प्लिकेशन की है, आपने की है, उन्होंने की है, यू नो क्यों है ऐसी, और पहले तो ऐसे नहीं थी तो अब क्यों हो गए ऐसे, समथिंग लाइक दैट। अभी भी आपका बॉन्ड है उस व्यक्ति के साथ, मतलब अभी भी आप अटैच्ड हो, डजंट मीन कि आपकी फीलिंग्स वैसी है, लेकिन बॉन्डिंग है, आप कह सकते हो कि आज मैं उस व्यक्ति के साथ अटैच हूँ, यू नो यू कुड हैव बीन यू नो लिविंग टुगेदर, आपकी मैरिज हो चुकी है या फिर आप कमिटेड हो, सो यू लाइक हैविंग अ बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आ गया फैमिली, सो फैमिली में भी अ काइंड ऑफ थिंग, शायद फैमिली ने आप दोनों के बीच झगड़ा करवाया है, या फिर फैमिली इज़ द मेन रीज़न कि आप क्यों उनसे कनेक्टेड हो, आपको शायद अपनी या उनकी फैमिली को यू नो तकलीफ नहीं देनी है, मे बी दैट इज़ द रीज़न, या फिर आपकी एक्चुअली फैमिली फॉर्म हुई है, यू नो ओके। गिफ्ट का मतलब है कि यू नो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ लेन देन हुआ है, ओके मे बी आपके लिए घर परचेज किया होगा, या फिर यू कुड हैव किड्स यू नो एज अ गिफ्ट, सो इट्स लाइक यू आर लिविंग विद देम। लेकिन यहाँ पे है मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, उनको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए, एंड आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी आपसे कुछ बातें क्लियर ही नहीं कर रहा है, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ छुपाएगा, अपनी मनमर्जी करेगा, फिर अचानक घर पर बैठेगा, यू नो लाइक दैट। तो व्हाट डज ही वांट, आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, इमोशनल इंटीमेसी चाहिए, आपसे बात ही नहीं करनी है, सो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सो इस कार्ड के बारे में मैं बस एक ही कहूँगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड इट, ओके। तो ये था रीडिंग, इट कुड रेजोनेट विथ यू, थैंक यू, टेक केयर।